गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 9। चैप्टर 9 का नाम क्या है? क्रिपी, क्रॉली एंड फ्लायर्स। ठीक है, क्रिपी, क्रॉली एंड फ्लायर्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये क्या है बच्चा, एक लड़की है, इसका नाम क्या है? तन्वी। क्या है इसका नाम? तन्वी है। तन्वी क्या करती है बच्चों? तन्वी फेल्ट थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्स्टी का मतलब प्यास लगना, प्यासी है। शी तन्वी फेल्ट थर्स्टी एट नाइट, शी वेंट इनटू द किचन टू फेच सम वाटर। इसको प्यास लगती है और ये किचन में जाती है पानी पीने के लिए। ठीक है, एज शी स्विच्ड ऑन द लाइट, जैसी वो लाइट को ऑन करती है, शी वॉज स्केयर्ड एज देयर वॉज सम कॉकरोचेज क्रॉलिंग अबाउट। क्रॉलिंग का मतलब बच्चों होता है रैंग, लाइक चलना। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है? डर जाती है। स्केयर्ड मतलब होता है डरना। ठीक है, इमीडिएटली दे रन एंड हाइड अंडर द सेल्फ एंड द ड्रॉअर इजीली। और जैसे ही वो तन्वी को देखते हैं, कौन? कॉकरोचेज। जैसे तन्वी को देखते हैं वो क्या करते हैं? छुप जाते हैं। कहाँ पर? ड्रॉअर में छुप जाते हैं जल्दी से। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या है? बटरफ्लाई है, ये आंट है, ये ग्रास ऊपर है, ये कॉकरोच है, और ये क्या है? आई थिंक ये हनी भी है। ठीक है, इस टाइप से क्या है? इंसेक्ट्स होते हैं कुछ कुछ। और हम बात करते हैं ये क्या है बच्चे? इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कीटा, जिसको बोले क्या बोलते हैं? कीड़े मकौड़े जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट आर फाउंड एवरीवेयर। ये तो हमें पता है कि इंसेक्ट हर जगह मिलते हैं, हर जगह अंदर से। जैसे कि आप कहीं, आप जहाँ भी रहो वहाँ इंसेक्ट होंगे। हाँ, जैसे कि मक्खी, मच्छर, चीटा, चींटी, कॉकरोचेज, ये सारे सारे इंसेक्ट्स में तो काउंट करते हैं हम इनको। ऑन लैंड, इन वाटर एंड, यानी कि ये कहाँ क्या? ज़मीन में, पानी में, एयर में, हर जगह मिलते हैं। वो बात अलग है, हमें एयर में नहीं दिखते बट होते हैं, पानी में नहीं दिखते बट होते हैं। ठीक है, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी प्रोटेक्ट देयर इंटरनल सॉफ्ट बॉडी। यानी कि जो हार्ड, जो हमारा, अगर बात करते हैं अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की बात करते हैं बच्चे, तो हमारी बॉडी सबसे अपर लेयर कौन सी है? वो है स्किन। ठीक है, तो स्किन क्या है? वो हमारी बॉडी को क्या कर रखा है? उसने पूरे को कवर कर रखा है। ऐसे ही ये इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, इनकी भी क्या होती है? ऊपर से जो बॉडी, उनका जो क्या होता है, इनको, उनका कवर होता है, जिसको हार्ड कवर इसका बोल सकते हैं। आउटर जो कवरिंग होता है वो हार्ड होता है, और इंटरनल क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी होती है। ठीक है, देयर बॉडी डिवाइड इंटू थ्री पार्ट। इनकी जो बॉडी होती है थ्री पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि हेड मतलब सिर, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। हेड ये हो गया बेटो, थॉरेक्स बच्चों ये हो गया बीच वाला पार्ट, और एब्डोमन नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद they also have a pair of antenna, three pair of joint legs with compound eyes. ठीक है, देखो इनका क्या होता है बच्चों? इनका three pair of legs होते हैं। legs मतलब पैर होते हैं इनके। देखो three pair of legs मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखो ये ना, एक इनकी, एक पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर में होते हैं बच्चे दो। पेयर का मतलब दो पेयर का, इनकी वन पेयर इज इक्वल टू कोई भी चीज़ दो। मैंने कहा एक पेयर शूज दे दो। एक पेयर शूज का मतलब होगा कि आप एक जूता पहनते हो? नहीं, एक जूता नहीं, इसका पेयर का मतलब हो गया दो, दो चीज़ कोई भी। ठीक है, तो एक एक पेरा, एक दो, ये तीन चार पाँच, इनकी थ्री इस साइड है और थ्री इस साइड है। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसका हेड हो गया, ये अब्डम, ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों? ये थॉरेक्स हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या? एब्डोमन हो गया। ठीक है, इस टाइप से इनका, इनकी बन, इनकी जो बॉडी का पार्ट होता है इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, अब ये क्या? सम इंसेक्ट फ्लाई, सम क्रॉल, वाइल सम ऑफ देम जंप। ये देखो हम, ये तो हमें पता है कुछ इंसेक्ट होते हैं वो उड़ते हैं, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, कुछ रेंगते हैं, रेंगते मतलब चलना होता है, वाइल सम इंसेक्ट जंप, और कुछ इंसेक्ट क्या होते हैं? जंप करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम मोर। हम बात करते, देखो ये जो बच्चे, यहाँ पे चेक करो पहले, ये जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं एंटीना। यहाँ पर ये क्या है? इनके जो सर पर लगा हुआ क्या बोलते हैं? एंटीना बोलते हैं। और ये देखो इनका हो गया एंटीना, और ये हो गया थॉरेक्स, इनकी हेड हो गया, ये यहाँ पे हेड हो गया, ये थॉरेक्स इनकी बीच वाला पार्ट हो गया, एब्डोमन मतलब नीचे वाला पार्ट हो गया। इसको मिड लेग बोलते हैं, इसको फोर लेग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हिंड लेग बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसकी बॉडी को बनाया गया। अब बात करें क्रॉलर्स। क्रॉलर्स का मतलब जो रेंगने वाली चीज़ होती हैं। वॉर्म्स लाइक अर्थ वॉर्म। अर्थ वॉर्म मतलब जो केंचुए होते हैं, बारिश में अक्सर मिलते हैं। राउंड वॉर्म आर इंसेक्ट विदाउट लेग। इनकी इंसेक्ट विदाउट, इनके क्या होते हैं बच्चों? जो केंचुआ हुआ, राउंड वॉर्म हो, इनके लेग्स नहीं होते, वो क्या करते हैं? क्रॉलर्स, यानी कि रेंगते हैं ये। ठीक है, ज़मीन पर ही खिसकते हैं। लाइक दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर स्लिमी एंड स्लिपरी बॉडी। कैसे खिसते हैं? इनकी जो बॉडी होती है स्लिमी होती है, पतली होती है, और स्लिपरी होती है। देयर अदर इंसेक्ट लाइक आंट, लाइस, लिजार्ड, सिल्वर फिश,
also crawl about इनकी देखो ये इनकी जो चींटी हो गई लाइस हो गया लिजार्ड चींटी लाइस मतलब जू और लिजार्ड मतलब छिपकल ये सारे की स्टार सिल्वर फिश ये सारे सर क्या करते हैं क्रॉल करते हैं ठीक है लाइव के लाइस ऑल्सो इन ह्यूमन हेड लाइस का मतलब बच्चों के तो जुए जो आपके बचपन में अक्सर पड़ जाते हैं एंड हाइड इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस इनकी जो चींटियाँ होती हैं कहाँ पे छुपी रहती हैं अक्सर हाउस घर की कोने कोने में छुपी हुई रहती हैं ठीक है स्पाइडर हम जानते हैं स्पाइडर का मतलब क्या होता है जो घर में मकड़ी लगी होती है स्पाइडर ऑल्सो क्रॉलर स्पाइडर कौन से इसमें आती है क्रॉलर ही होती है ये भी ठीक है दे आर नॉट इंसेक्ट एज दे हैव फोर pairs of legs and their body has two parts यानी कि बात करते हैं कि spider also are crawlers they are not insect इनकी ये insect नहीं होते as they have four pair of legs जिनके चार पैर होते हैं उनको insect में count नहीं करते हैं and their body has two parts और इनकी body क्या दो parts होते हैं they belong to the स्कॉर्पियन फैमिली तो ये कौन सी फैमिली बिलोंग करते हैं बच्चों ये बिलोंग करते हैं स्कॉर्पियन फैमिली यानी कि जिसके सिक्स पैर होते हैं या फिर हम बोलते थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं और जिनके फोर लेग्स होते हैं या फिर टू पेयर ऑफ लेग्स होते हैं मैं देखो ध्यान सुनो मैं क्या बोल रही हूँ या तो फोर पैर होते हैं या फिर टू पेयर ऑफ लेग्स की बात करें तो क्या उनको कौन होते हैं वो स्कॉर्पियन फैमिली में आते हैं ठीक है लिजार्ड हैव लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच एंड ईट इंसेक्ट यानी कि जो लिजार्ड होती है उनका क्या होता है कैसी इसकी टंग कैसी होती है बेटा स्टिकी होती है ताकि इंसेक्ट जैसी वहाँ जहाँ भी होती है ना वो अपनी टंग से क्या करती है इंसेक्ट को कैच कर लेती है जैसे कि मॉस्किटो हो गया हाउस फ्लाई इनको क्या करते तुरंत ये खा लेती है मिलीपेड एंड सेंटीपेड हैव मोर देन 100 लेग्स देखो मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स क्या होते हैं बच्चों उनके 100 मोर देन 100 पैर्स कितने होते हैं मोर देन 100 लेग्स होते हैं दे फीड ऑन डेड प्लांट एंड इंसेक्ट इनकी क्या करते हैं ये कहाँ से खाना खाते हैं डेड प्लांट्स होते हैं बच्चों डेड प्लांट्स हुए डेड इंसेक्ट हुए इनसे अपना खाना खाते हैं ठीक है मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स क्या करते हैं डेड प्लांट और डेड इंसेक्ट से अपना खाना क्या करता है वहाँ से अपने खाना खाते हैं स्नेक्स क्या करते हैं स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन देयर बॉडी स्नेक कैसे मूव करते हैं अपनी बॉडी के स्केल्स से मूव करते हैं इनकी स्केल्स मतलब होता है बच्चों इसकी बॉडी में क्या होता है उस टाइप की हड्डियाँ होती हैं अपनी स्केल्स मतलब उसको पतली होती है और उसके अंदर की क्या होती है स्केल्स होती हैं उसके बिहाफ पर वो मूव करता है दिस मूवमेंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको स्लिदरिंग इसको मूवमेंट क्या बोलते हैं स्लिदरिंग मूवमेंट बोलते हैं यहाँ पे कुछ ये क्या है आपका मकड़ी हो गई यहाँ पे कुछ टाइप का इंसेक्ट हो गया ये इसको बोलते हैं शीप बर्ड बोलते हैं फ्लायर्स की बात करते हैं सम इंसेक्ट कैन फ्लाई एंड आर ऑल्सो फ्लायर्स ये कुछ इंसेक्ट होते हैं उनको वो क्या करते हैं फ्लाई मतलब उड़ सकते हैं और उनको क्या बोलते जो इंसेक्ट उड़ सकते हैं उनको फ्लायर्स बोलते हैं या फिर फ्लाइंग इंसेक्ट बोलते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हुआ मॉथ हुआ ड्रैगन फ्लाईज हुआ एंड ग्रास ओवर आर फ्लाइंग इंसेक्ट ये कौन से इंसेक्ट होते हैं फ्लाइंग जैसे कि बटरफ्लाईज मतलब ये तितली हो गई ग्रास ओवर हो गया आर फ्लाइंग इंसेक्ट मॉस्किटो ब्रीड ऑन स्टैग्नेंट वाटर वाइल हाउस फ्लाई फीड ऑन गार्बेज और एंड सीवेज जो मॉस्किटो ब्रीड होते हैं बच्चा वो क्या करते हैं जो गंदा पानी होता है या रुका हुआ पानी होता है या फिर वहाँ पे क्या करते हैं ये उनसे पैदा भी हो जाते हैं और वहाँ पे ये क्या करते हैं गंदगी फैलाते हैं ये लोग कौन मॉस्किटो और मधुमक्खी ये मक्खियाँ जो घर वाली मक्खियाँ होती हैं हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं ग्रास होपर्स कैमोफ्लेज विद देयर सराउंडिंग ये जो ग्रास होपर होता है वो हमारे सराउंडिंग्स में होता है ठीक है बाकी ये अभी हमें टू पेजेस पढ़े हैं इसके हम आगे नेक्स्ट बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं ओके बच्चों बाय बाय टेक केयर इसको क्या किया करो इस पर यहाँ पर एक इसका साइन आता है इसको लाइक पर इसको वीडियो को लाइक किया करो ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो देखी भी है कि नहीं और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आएगा उसको सब्सक्राइब कर लो जैसे ही आप ये वीडियो में डालोगे तो दस ही डायरेक्टली वो आपके पास पहुँच जाएगी ठीक है ओके बच्चों बाय बाय टेक केयर